हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की फेवरेट ऑरेंज बार। दोस्तों, बच्चों की ही क्यों, गर्मियाँ आते ही ये हम सबकी फेवरेट हो जाती है। आज हम इसे बनाएंगे एक हेल्दी और इंस्टेंट वे में और बहुत ही कम, बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज बार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल, और बोल में मैं ऐड कर रही हूँ पानी। यहाँ पर पानी का मेजरमेंट मैंने अपने पॉप्सिकल मोल्ड या आइसक्रीम मोल्ड के अकॉर्डिंग रखा है। दोस्तों, आपको भी पानी का मेजरमेंट अपने पॉप्सिकल मोल्ड या आइसक्रीम मोल्ड के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्लूकॉन डी, टैंगी ऑरेंज फ्लेवर, साथ ही में ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी और काला नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते ही हमारा ऑरेंज बार का बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस बनाए हुए बेस या सॉल्यूशन को फिल कर देंगे पॉप्सिकल या आइसक्रीम मोल्ड में। अच्छे से फिल हो जाने के बाद अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। दोस्तों, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसे रात भर रख दें फ्रीजर में। अच्छे से सेट हो जाने के बाद अब हम इस मोल्ड को फ्रीजर से निकाल कर पानी में डिप करके डीमोल्ड कर लें। इसी के साथ तैयार हो चुकी है ऑरेंज बार, या कह सकते हैं ऑरेंज पॉप्सिकल, या हम कह सकते हैं एनर्जी बार, क्योंकि इसे हमने बनाया है ग्लूकॉन डी से, और ग्लूकॉन डी में होता है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी को देता है इंस्टेंट एनर्जी, हमें थकान से भी बचाता है, और हमारी बॉडी में प्रमोट करता है मेंटल अलर्टनेस। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा ऑरेंज बार एक हेल्दी वे में। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।